जहां पर बदमाश के सामने मथुरा पुलिस की लापरवाही कहें या लाचारी सामने आई है। पुलिस कस्टडी में कचहरी से कोर्ट रूम तक की एक रील वायरल हो रही है। कोर्ट रूम में वीडियो और फोटोग्राफी हालांकि प्रतिबंधित है, बावजूद इसके वहां पर एक रील बनाई गई। बता दें कि कोर्ट के कटघरे में इर्द गिर्द दिखाई दे रहे बदमाश के गुर्गे लोकेश उर्फ मोटू पर 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। छाता पुलिस ने आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर भेजा था जेल, जिसका एक वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है। बता दें कि कोर्ट रूम में वीडियो और फोटोग्राफी करना प्रतिबंधित है, बावजूद उसके वहां पर एक रील बनाकर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कोर्ट के कटघरे में इर्द गिर्द ये बदमाश के गुर्गे हैं। ये तस्वीरों में जो आप देख सकते हैं कि ये वही बदमाश है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और इसका एक ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोकेश उर्फ मोटू पर 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोर्ट के कटघरे में ये इर्द गिर्द बदमाश के गुर्गे दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर कटघरे में ये बदमाश खड़ा है और उसके गुर्गे उसके आसपास खड़े हैं। खुले तौर पर यहां पर कोर्ट के नियमों का उल्लंघन किया गया है, और बता दें कि यहां पर एक वीडियो भी बनाया गया जो काफी वायरल हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अभिनव, क्या मामला था ये, कैसे यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियो बनाई गई और जो वायरल हो रही है, क्या था पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो है एक भोकाली बदमाश है जो कि मथुरा पुलिस की इसमें लापरवाही है या लाचारी है ये देखने को मिली है, क्योंकि पुलिस की कस्टडी से कचहरी से लेके कोर्ट रूम के कटघरे तक की बदमाश की जो रील है वो वायरल हो रही है। कोर्ट रूम में वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है, मगर उसके बावजूद भी ये कोर्ट तक वहां तक रील बनाई गई। किसकी तह पर बनी ये रील, तो कई सवाल इसमें खड़े होते हैं। कोर्ट के घर में जो कोर्ट का जो कटघरा होता है वहां पे जो खड़ा हुआ है आरोपी, उसके इर्द गिर्द उसके जो गुर्गे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, तो सुरक्षा पर भी इसमें कई सवाल खड़े होते हैं। मैं आपको बता दूं, लोकेश उर्फ मोटू पर 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं पहले से। जमीनों पर कब्जे करने, कब्जा दिलाने के नाम पर ये पैसा लेकर जानलेवा हमला करने का ये गैंग है पूरा। 3 दिन पूर्व छाता कोतवाली पुलिस ने आर्म एक्ट पे इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा था, और मैं आपको बता दूं कि उसके उर्मों ने जमीन पर कब्जे कराने के नाम पर ये पैसा लेते थे और जानलेवा हमला करते थे। इसके बाद उसे छाता कोतवाली पुलिस ने 6 अगस्त को गिरफ्तार किया था, उसे शस्त्र अधिनियम में निरुक्त करते हुए कोर्ट में रिमांड के लिए पेश किया था। बताया यह भी जा रहा है कि जिस समय रील बनाई गई है वो सोशल मीडिया पर जो वायरल की गई है, अपराधी को हीरो की तरह दिखाने की उसमें कोशिश की गई है, और पुलिस भी साथ में है, उससे ज्यादा उसके गुर्बे उसके आसपास घूम रहे हैं। तो पुलिस इसमें पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है, और सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। जी जी बिल्कुल अभिनव, जिस तरीके से पुलिस पर भी सवाल यहाँ उठ रहे हैं, तो क्या पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान ले लिया है? ये वीडियो कब का बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये जो पूरा जो मामला है, जब मीडिया ने इसको उठाया तो आला अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया है और पूरे इस मामले की जांच बिठा दी है। इसको पूरी जांच करके जो इसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी जी अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। बता दें कि बदमाश के सामने मथुरा पुलिस की लापरवाही कहें या लाचारी ये सामने आई है। पुलिस कस्टडी में कचहरी से कोर्ट रूम तक की एक रील वायरल हो रही है। कोर्ट रूम में वीडियो और फोटोग्राफी हालांकि प्रतिबंधित है, बावजूद उसके एक वीडियो बनाया गया जिसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। कोर्ट के कटघरे में इर्द गिर्द ये बदमाश के गुर्गे नजर आ रहे थे। बता दें कि पुलिस से ज्यादा बदमाश के इर्द गिर्द उसके गुर्गे थे, और यहां पर पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान ले लिया है और इस पर जांच भी बैठा दी गई है।